नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मु विस्मय गुरुत्वपूर्ण खबर देखे किंतु पूर्व हेडलाइंस बालेश्वर ओडंग पंचायत 68 नंबर बूथ रे उत्तेजना बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़ मारी दुर्बृत्त फरार सेपटे 1 नंबर वार्ड रे बीजेडी पाई टंका बांटुछे अभियोग महिला अटक 160 नंबर बूथ रे चिरकुट बांटुछते पुलिस तीर्तोड़ भी आसला संघातिक अभियोग भोट ग्रहण रे हेरफेर घरे नथिबा बेले जणे भोटर को नारे चंचकता करी भोट दिया जायथिबा अभियोग अनशन बसले 80 वर्षिया वृद्धा बालेश्वर तीर्तोल उपनिर्वाचन पाई मतदान जारी दिन 3टा सुधा 55.04% मतदान बालेश्वर 54.85% तीर्तोल 55.23% वोटिंग कोविड कटकणा चली वोट ग्रहण बिहार द्वितीय पर्याय वोट ग्रहण जारी कोविड कटकणा 17 जिलार 94 सेट पाई चली मतदान दिन 3टा सुधा बिहार 44.5% वोटिंग प्रति बूथ रे सुरक्षा कड़ाकड़ी राजधानी रे मातिले गंजे माफिया दावी कारे कंधमाल भुवनेश्वर को आसुथला गंजे पुलिस हाथरे दुई अभियुक्त लक्षाधिक टंकार गंजे जबत गंजामर प्रमोदिनी को न्याय केबे हत्यार 6 मास परे कार्यनुष्ठान सुन सीबीआई तदंत दाबी रे आरडीसी कार्यालय सम्मुख रे परिवार लोकंक धारणा संदेहजनक भाबे नदी पठार उद्धार होतला मृतदेह अमेरिकार चालिचे राष्ट्रपति निर्वाचन मेल बालाट रे 70% भोट ग्रहण अमेरिकार न्यू हंसायर आरंभ हला प्रथम भोटे देखा संपूर्ण खबर तेरे कोरोना नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय चलिए प्रेसमिट आसमें आने वाले हैं इसलिए जरूरी है कि इस दौरान भी केसेस में सर्ज ना हो उनकी संख्या न बढ़े इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनाएं बहुत बहुत धन्यवाद एक संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता था पिछली बार एक मुद्दा ये उठा था कि कोविड के दौरान जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने उनको ओरिएंट और रीओरिएंट करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया मैंने आपको बताया था कि सरकार ने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का पालन किया था तो उस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया ये कोविड के दौरान ही बनाया गया इसको आई गॉट प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है ये DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में बनाया गया लेकिन इसका उपयोग सभी विभागों और सभी मंत्रालयों ने किया आई गॉट प्लेटफॉर्म का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए किया इसमें अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मटीरियल साइमल्टेनियसली उपलब्ध हो जाता है ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स हो सकते हैं असीमित संख्या में लोग एक साथ डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जिस समय पे उन्हें उपयुक्त लगे कोई दिन में करना चाहे रात में करना चाहे सुबह करना चाहे तो वो डिजिटल ट्रेनिंग उस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि कोविड वॉरियर्स के प्रशिक्षण में हमने इसका उपयोग किया था इसमें अगर केवल स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पाया कि इस प्लेटफॉर्म पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 13,60,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स थे जो या तो डॉक्टर थे या नर्सेस थे या एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स थे या लैब प्रोफेशनल्स थे या फ्रंटलाइन वर्कर्स थे NCC कैडेट्स और बाकी वॉलंटियर्स भी थे इन 13,60,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स ने ये केवल हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं अन्य मंत्रालयों ने भी इस प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का जो डिजिटल है उपयोग किया इन लोगों ने 19 लाख से ज़्यादा डिजिटल कोर्सेज कंप्लीट किए प्रत्येक कोर्स के बाद एक असेसमेंट भी होता है उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स सफलतापूर्वक कर लिया है और इन 19,22,000 से ज़्यादा जो कोर्स कंप्लीट किए गए उसमें से 15,05,000 लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू हुए यानी उन्होंने उस डिजिटल प्रशिक्षण के बाद असेसमेंट को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ये आपके मोबाइल ब्राउज़र पे भी उपलब्ध हैं यानी आप मोबाइल पर भी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ये डेस्कटॉप पे भी उपलब्ध हैं और निकट भविष्य में सरकार की ये योजना है कि इसे iGOT TV जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा उस पर भी उपलब्ध कराया जाए
जो मैंने आपको 13,60,000 रजिस्टर्ड यूजर्स के बारे में बताया जो केवल स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो किस राज्य में कितने हैं वो हमने देश के नक्शे पर आपको दिखाया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने लगभग 29,00,000 से ज़्यादा कोर्सेज के लिए इनरोलमेंट हुआ, 13,00,000 से ज़्यादा यूनिक यूज़र्स थे जो कि 729 जिलों में फैले हुए थे, और 19,00,000 से अधिक यूनिट कोर्सेज कंप्लीट हुए। ये सब स्वास्थ्य कर्मियों के हैं। इनमें से 50 जो ऐसे ज़िले थे जहां सबसे अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ट्रेनिंग पाई, ये 50 जिले इन राज्यों में थे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरला में, वेस्ट बंगाल में और चंडीगढ़ में। कुल 56 मॉड्यूल हमने विकसित किए अलग अलग प्रशिक्षण देने के लिए, वो अंतिम स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा। इन 56 मॉड्यूल में हमने कुछ PDF के रूप में कंटेंट दिया, कुछ ट्रेनिंग वीडियोज दिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। 196 ट्रेनिंग वीडियोस तैयार किए गए जो iGOT पे उपलब्ध हैं, और 133 ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट उपलब्ध किए गए जो कि इस प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो iGOT है उस पर उपलब्ध हैं। तो ये प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं जिन लोगों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, लैब प्रोफेशनल्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी प्रकार से उनके क्या क्या रोल वो निभाते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो भी हमने आपको बताया है। फील्ड में सर्वेलेंस करना, आप एक्टिव केस की जब सर्च करते हैं या सर्वेलेंस करते हैं तो वो कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा, साइकोसोशल केयर कैसे दी जाएगी, सोशल अवेयरनेस कैसे पैदा की जाएगी, और जो कोर्सेज हमने बनाए वो भी हम आपको इसमें बता रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कोविड, कोविड क्या है, कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, ऐसा एक कोर्स था। इनफैक्ट असवा परवर्ती खबर को, बालेश्वर और तिर्तोल उपनिर्वाचन पई चलछे मतदान, कोरोना कटकणा रे मत सब्यस्त करुछंते वोटर, से पडे बिहार विधानसभा पई चलछे द्वितीय पर्याय मतदान। बालेश्वर ओडंग पंचायत रे उत्तेजना, 68 नंबर बूथ रे गंडगोल, बूथ रे बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़, जहाँ कुड़े पूरा अंचल उत्तेजना देखा दे। घटनास्थल रे पुलिस फोर्स मुतयन करा जाय छी, तेबे दुर्बृत्त जनक घटनास्थल रे फरार हो जायथिबा जना पड़छे। अन्यपटे पूरा शासनकल साजिश बीजेडी एजेंट, देखु बालेश्वर में मतदान चलता बेले केमी चिरकुट बंटा चलिए, आउ निजे पुलिस अफिसर जनक चिरकुट बांटुवर दृश्य देखा जाए। बालेश्वर बूथ नंबर 160 भिडियो एवं सोशल मीडिया भाइराल होठार बूथ में नियोजित पुलिस सुरक्षा दायित्व ने ना शासक दलपाई पुलिस दायित्व को नहीं उठी प्रश्न, निर्दिष्ट दलपाई कम कर पुलिस यह कौन आचरण विधि उल्लंघन नुहे कि अनेपटे बालेश्वर 1 नंबर वार्ड एवं 160 नंबर बूथ रो घटना संपर्क में प्रतिक्रिया रखिछन्ते निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी। से कहते घटना संपर्क में जानवा पर तदंत दि जाए, तेज पुलिस यार तदंत कर तेज निर्दिष्ट प्रमाण मिले ना एवं भी तदंत जारी रही। सेटा हमें मीडिया रे एटा बुझीछु, तापरे पुलिस इंक्वायरी मध्य करिछि, जते खबर मु रिटर्न रिपोर्ट आसिनि कि जे खबर मु कलेक्टर टू पचारि के बुझीछि, जगतसिंहपुर जिला तिर्तोल आसला सांघातिक अभियोग, 204 नंबर बूथ रे वोट ग्रहण रे हेरफेर, जड़े वोटर ना चंचकता करी वोट दिया जायथिबा अभियोग होछि, मु तो घरे नथली मो वोट देला के बोले प्रश्न उठाइथले 80 वर्षिया वृद्धा चंचला प्रधान। सलमपुर गाँव वृद्धा वोट देबा पई आसीथिबा बेले तांको वोट दिया जायथिबा कहिथिले बूथ दायित्व प्रेजेंडिंग अफिसर, पूर्व वोट पोस्टाल बालाट्रे दिया कहते प्रेजेंडिंग अफिसर यह प्रश्न उठावा सह बूथ आगे अनशन बसुंच 80 वर्षिया वृद्धा। वोट
ଦିନ ଟଙ୍କା କାରବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମହିଳା ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ। କୁହାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟ କିଣା, କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଜଣକ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ଫର୍ମୁଲା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଉତ୍ତର ଏହି କଥାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଥ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କର କଣ କାମ ଥିଲା, ସେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ସାଂଘାତିକ କଥା, ଯାହାକି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। 112A ବୁଥ ଏଠାରେ କିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲି, ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର 4-5 ଜଣ ପିଲା ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆଉ କିଛି ବାଇକ୍ ସହ ବି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଅଟକ ରଖିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଲେ, ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ଏବଂ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର୍ କରେଇଲୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷର ପିଲା, 28 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି, ତଥାପି ମନ ପୁରିଲାଣି, ଗୀତା ଧରି ଶପଥ କରୁଛୁ, ଶପଥ କରେଇ କୁହ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଛି 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 ସରକାର। ଏ ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯିଏ ବି କିଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ବି ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ। ସେପଟେ ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିହାରରେ 44.51% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 17 ଜିଲ୍ଲାର 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। 1463 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିହାରର ଜନତା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 44 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ 4 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପାଟନାର ସବୁ ସେବାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଣରେ 10, ପାଟନାରେ 9, ନାଳନ୍ଦରେ 7, ବେଗୁସରାୟରେ 7 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 71 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ।
तेज संपर्कित अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी बिहार आम प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान बर्तमान ताजा अपडेट कौन रही है कहीं पूर्व आपन्न बुलेटिन आम सहित जोड़ी रही है कि जेहेतु जहाँ सूचना रही बर्तमान आसी दिन चार्टा है तेज लोकों अर्थात भोटर मान मुड कौन रही अंपटे किभली चली कोविड कटक दृष्टि रखी भोट चली विस्मी देखते वर्तमान सुधा कहींपर बिहार विधानसभा द्वितीय पर्याय मतदान चली जहाँ सूचना मिली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पक्षर वर्तमान चार्टा सुधा 44.4 नौ प्रतिशत भोट व मतदान वर्तमान हो दुई घंटा मध्य बाकी अच्छे मतदान पर आम एक वर्तमान बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल अच्छा जो छोटी बूथ रही विभिन्न प्रकार व्यवस्था जहाँ सशक्त मतदान केन्द्र कहुच्च कहीं देखुवे दृश्य आप विभिन्न प्रकार व्यवस्था जे सेल्फी जोन जो मैंने आसिक भोट देते आसिकी सेल्फी जोन करता सहित जो मैंने वृद्ध व्यक्ति अच्छा वरिष्ठ भोटर अच्छा जो मैंने दिव्यांग भोटर अच्छा स्वतंत्र गाड़ी व्यवस्था जो मैंने आसवे वरिष्ठ भोटर आसवे जो मैंने दिव्यांग भोटर आसवे गाड़ी नहीं कि जगह को लेकिन छाड़ा व्यवस्था कर सहित जेहतु कोरोना गाइडलाइन रही से कोविड गाइडलाइन को अधिक पालन करने सामाजिक दूरता को अवलम्बन करने अधिक दृष्टि दि जाऊँ जो प्रवेश द्वार सानिटाइजर हैंड सानिटाइजर व्यवस्था कर स्वतंत्र ग्लोवस दि जाऊँ थर्माल स्क्रीनिंग व्यवस्था कर सहित आप देखते सुरक्षा व्यवस्था एटी पूरापूरी भाव में कड़ाकड़ी कर केंद्रीय सुरक्षा बलों को नियोजित कर मुतयन से जेहतु संध्या चार्टा होती आउ दुई घंटा बाकी अच्छी तथापि आम कहीपर 44.49% वर्तमान सुधा मतदान होती कहीं जदि गत थर प्रथम पर्याय मतदान कथ 54% मतदान होता कि बर्तमान आम अपेक्षा करा पड़े आज दुई घंटा भितर के भोट दूसरी बिहारवासी कहीं आप जानते आज 94 आसन पर मतदान हो 1463 जन प्रार्थी अच्छा 2,86,00,000 ऊर्ध भोटर आज भोट दौरान तो बर्तमान सुधा जेहतु पाखापाखि 45% आसिक पहुंची मतदान तेणुकु आई दुई घंटा समय बाकी अच्छी दुई घंटा भितर के मतदान होता नजर रही है अंपटे आप जानते जेहतु आज अधिक दुग्ग नेता भाग्य आज निर्धारण करते बिहारवासी जेहतु आज विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव निर्वाचन लड़ुंतर निर्वाचन मंडल में आज भोट दी जाऊँगी और सीधा सड़क दृश्य देखुवे जो पोलिंग एजेंट पोलिंग कर्मचारी रही आसिकी जो वरिष्ठ नागरिक अच्छा जो मैंने दिव्यांग भोटर अच्छा व्हील चेयर आहयोग करके जो इटी व्यवस्था जो बैटरी चालित गाड़ी व्यवस्था करसैबे जेहतु से भोट बर्तमान देखते आपण देखुवे जो मैंने एठाकर जो कर्मचारी अच्छा जो पोलिंग एजेंट अच्छा जो मैंने पोलिंग कर्मचारी अच्छा नियोजित कर निर्वाचन आयोग पक्षर से जाकिग करपटे जब आप देखिए जो अन्य जो भोटर अच्छा से आसपे स्वतंत्र व्यवस्था कर देखुवे जो वरिष्ठ नागरिक अच्छा से भोट देखते स्वतंत्र व्यवस्था कर फैमिली लोक उपस्थित होती अंपटे जदि देखिए आज सुरखुर विधानसभा निर्वाचन चलती बिहार में और सुरक्षा अधिक कड़ाकड़ी शांतिपूर्ण भाव में कमी निर्वाचन सर मतदान सर अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी जदि आप देखिए सेल्फी जोन व्यवस्था जो मैंने आसवे भोटर मैंने भोट देते सेल्फी जोन व्यवस्था कर भोट देखे सेल्फी ने जो लिखाई है आई एम ए प्राउड भोटर सहित आप देखते जो मैंने भोटर अच्छे से आठ फटो उठाऊ सीधा सख दृश्य बर्तमान आप देखिपे जेहतु आज सुरक्षा व्यवस्था अधिक कड़ाकड़ी बिहार में कमी सुरखुर मतदान सर अधिक गुरुत्व दि जाऊँ जो भोटर मैंने रोचे मुड विषय में जानवा कौन करते हैं भोटर मान कौन प्रतिक्रिया रही है और कौन मतदान नहीं कि मतदान रोचे आपने वोट दिया कोरोना का गाइडलाइन भी है नियम है किस तरह से आपको लगा और अनुभव कैसा रहा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है इंतजाम और मेरा फर्स्ट टाइम वोट था इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। तो आप किस मुद्दे पर आप वोट देते हैं मुद्दा क्या रहता है उम्मीद क्या रखती है आने वाली सरकार ऑब्वियसली डेवलपमेंट चाहती हूँ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से कि लोग काफ़ी प्रॉस्पर करें एंड देश प्रॉस्पर करें ऑन गुड डेवलपमेंट हो स्कूल्स काफ़ी बने रोड्स काफ़ी बने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन एज वेल। तो मैडम आपने भी वोट दिया आप इसके पहले भी वोट दे चुके हैं लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन है किस तरह से अनुभव रहा इस बार वोट देकर? ठीक रहा जैसे अगले बार था इसी तरह इस बार भी था कोई दिक्कत नहीं हुई बहुत अच्छे से हमने वोट दिया। क्या रहते हैं किस मुद्दे उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि बिहार का और विकास हो जैसे बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है ये सब अच्छा रहे आगे।
जो प्रतिक्रिया शुणुले भोटर मान जेहतु विकास मुद्दा को अधिक फोकस दूसरी जो भोटर मैंने रोचे जो वरिष्ठ नागरिक अच्छा मतलब प्रतिक्रिया ना और आपने वोट दिया किस तरह से इंतजाम था कैसा था अरेंजमेंट? हाँ बहुत इंतजाम बढ़िया इंतजाम सरकार को बोल दीजिएगा बहुत बढ़िया इंतजाम। इसके पहले भी आप कई बार वोट दे चुके हैं एक कोरोना के लिए? पहले गाड़ी था ये चलाने वाला नहीं था, इस बार बहुत इंतजाम सरकार का धन्यवाद हो अब जे जूते जो हारे। आने वाले सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं बिहार के लिए? हाँ ये लगा के तो बातें नहीं समझते ये इसको तो मुनक्कत हो जाता है लगाने घर में नहीं लगाते। अच्छा आने वाले सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं बिहार के लिए? हाँ उम्मीद क्या है आपकी? हाँ अभी सब तो बात कीजिए। तो आप प्रतिक्रिया मुझे सुनते थे और किस अच्छे वोटर आपने वोट दिया किस तरह से अनुभव रहा आज के वोट देने के बाद? अच्छा अनुभव रहा वोटिंग या इन वुमेन्स कॉलेज में जो पिंक बूथ का इलेक्शन कमीशन ने जो किया था वो बहुत अच्छा स्टेप था और उसको अभी तक मेंटेन कर रहे हैं लोग तो वो बहुत अच्छी बात है। आप उम्मीद क्या रखते हैं आने वाली सरकार से किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट दिए? आने वाले सरकार से विकास का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी यंगस्टर्स जो है सो बाहर जा रहे हैं हमारे यहाँ बहुत से सब मैंने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो कि बिहार के बच्चे पूरे भारत में लीड करते हैं लेकिन फिर भी बिहार के बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं तो यहाँ का रेवेन्यू जो है दूसरे स्टेट को जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ का रेवेन्यू अगर यहाँ रहे तो और डेवलपमेंट अच्छा होगा और अच्छी व्यवस्था रहेगी। कानून व्यवस्था भी गड़बड़ हो गई है 4-5 महीनों से कानून व्यवस्था जो है सो बहुत गड़बड़ है ईच एंड एवरी डे लूट चोरी ये सब। बहुत धन्यवाद आम सहित एटी भोटर मैंने आलोचना करते एक्सपीरियंस अनुभव करते किपर भाव में एथर जो एक्सपीरियंस रहा जेहतु नुआ एक्सपीरियंस रोचे कोरोना कटक मध्य से बर्तमान भोट देखें ये स्वतंत्र व्यवस्था कर व्यवस्था को लेकिन से खुशी जारी करते सन्ध्या 6 मतदान प्रक्रिया सर जहाँकि पूर्व समय निर्धारण कर निहतरी इमरान जेहतु कोविड कटक भितर सकाल 7 चली मतदान अंपटे बिहार आज हो द्वितीय पर्याय भोटिंग जहाँ प्रतिक्रिया शुणुले समस्ते खूब उत्साह सहित भोट दौरान समस्त व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आप समस्त सूचना समस्त सरी बुलेटिन रखा दीर्घप आप भिजिट करेंगे वेबसाइट अर्गस न्यूज नमस्कार।